Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. क्या हो रहा है मेरा भाई? कहाँ है ये सवाल? हाँ, बॉयकॉट करो बॉलीवुड को. ये हीरो, वो देश छोड़कर चला गया, वो ये करता है, वो ड्रग लेता है. तुम्हारी सबकी बजने की टाइम आ चुकी है मेरा भाई. लिटरली स्पीकिंग, दिस डिसीजन जो आज हुआ है वो बहुत महीने पहले लेना चाहिए था. उस दिन जिस दिन ये सारा का सारा तमाशा शुरू हुआ था, आई मीन वो कहते हैं ना कि जब तक सुन के ले रहे हैं तो तुम लोग सर पर चढ़ते हो, उंगली दिए तो कंधे पर चढ़कर यहाँ मुड़ते हो तुम लोग. एंड गाइस यही हुआ एंड द मीडिया वेंट ओवरबोर्ड. जितने भी मीडिया हाउसेस थे उन लोगों ने पूरे के पूरे बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की. जो स्टार्स इनका लेना देना नहीं था इस केस से, इंसाफ अपनी जगह पर होता है. एक स्टार का ब्रांड, एक स्टार की इमेज, एक स्टार की इज्जत को नीचे गिराना एक अलग चीज होती है. एंड पिछले एक हफ्ते से एकलौता आदमी हूं मैं यूट्यूब पे जो ये चीख चीख कर चिल्ला रहा हूं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दो, ये फेक बॉलीवुड गैंग, ये नल्ले मीडिया वाले, ये नल्ले यूट्यूबर. अभी तुम्हारा नंबर है मेरा भाई, इतने वीडियो बनाए हो ना, डिलीट करने की तैयारी कर लो, क्योंकि दे आर कमिंग फॉर यू ऑल्सो मेरा भाई. तुम लोगों ने जो बॉयकॉट करो, जो फोटो लगाए सब सलमान खान की थंबनेल पर, सलमान खान ये वो, अब आ रहे मेरा भाई. और अकेले नहीं आ रहे, इस बार पूरा का पूरा बॉलीवुड एवेंजर बनकर आ रहे हैं मेरा भाई. और 34 के 34 प्रोडक्शन हाउसेस तुम्हारी बजाने के लिए आ रहे हैं. लुक एट दिस मेरा भाई. अभी अभी गाइस ब्रेकिंग न्यूज जस्ट कमिंग इन, एक बहुत ही बड़ा केस फाइल किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में बाय 4 बॉलीवुड इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड 34 लीडिंग बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट रिपब्लिक टीवीज, अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, राहुल शिवशंकर एंड नाविका कुमार. ये 5 लोग जिन्होंने मीडिया की बेइज्जती कर दी ओपन बाजार में, जर्नलिज्म को इस तरह से इन लोगों ने इल ट्रीट किया है, जर्नलिज्म के एथिक्स को ब्रेक किया है, लोगों की गाड़ियों पे मारा है, लोगों को ड्रगी कहा है, अननेसेसरी जो मीडिया सर्कस ने तमाशा किया था, ये 5 लोगों ने, इनको अब जवाब देने का वक्त आ गया मेरा भाई. एंड यहाँ पर पूरा का पूरा इंडस्ट्री यूनाइट हुआ है गाइस. अब आपको बताऊंगा वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इनके खिलाफ केस किया. वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पर द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड, सीनियर टीवी आर्टिस्ट, इंडियन फिल्म टीवी प्रोड्यूसर काउंसिल एंड स्क्रीन राइटर एसोसिएशन. ये 4 एसोसिएशन ही काफ़ी है इनकी बैंड बजाने के लिए. लेकिन मेरा भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि आमिर खान प्रोडक्शंस आए हैं यहाँ पर, साथ में मैंने उसी दिन कहा था शो सम स्पाइन, रेज योर वॉइस. मैंने आमिर खान को भी बुलाया था उस दिन, अमिताभ बच्चन को भी बोला था, रीट की हड्डी दिखाओ, बोलो, बॉलीवुड के लिए आओ, खड़े रहो, अब नहीं खड़े रहोगे तो कब खड़े रहोगे. एंड गाइस देखो आज वो दिन आ गया है जब पूरा का पूरा बॉलीवुड एकजुट खड़ा है. अब आओ हमारे सामने, सीरियसली तुम लोगों ने वोकट का बेइज्जती की है, अब तो मैं आऊँगा मेरा भाई तुम्हारे सामने. तुम लोग भी बिग बॉस के रिव्यूज़ कर रहे हो ना बैठ कर पूरे बॉलीवुड की बजाने के बाद, आई एम गोना कम फॉर ऑल ऑफ यू मैन, सीरियसली बोल रहा हूँ. एंड दिस केस, ये जितने लोग हैं ये लोग यूट्यूब पे भी अभी केस करने वाले हैं. बहुत सारे यूट्यूबर्स को अभी साइबर क्राइम की तरफ से नोटिस भी गया है, एक ने तो माफ़ी मांग के सब वीडियोज़ भी डिलीट कर दिए अपने. यू गाइज आर गोना पे फॉर दिस मैन, लिटरली बोल रहा हूँ. वेल फ्रेंड्स, देर इज अजय देवगन फिल्म्स, देर इज आमिर खान फिल्म, अनिल कपूर फिल्म, अरबाज खान प्रोडक्शन, आशुतोष गवारीकर प्रोडक्शन, बोनी कपूर कपूर प्रोडक्शन, केप ऑफ गुड फिल्म, अक्षय कुमार भी गए हैं, क्लीन स्लेट, धर्मा प्रोडक्शन. धर्मा प्रोडक्शन को तो तुम पे सब पे ऐसा मानहानि करना चाहिए ना, कम से कम 100 करोड़ रुपए का, कि तुम लोग की पुष्टे बीत जाए, पैसा लौटाते लौटाते तुम लोग के घर बिक जाए, ऐसा यू नो मानहानि का केस करना चाहिए. क्योंकि कुछ भी हुआ तो करण जौहर, कुछ भी हो तो करण जौहर, तुम्हारे बाप की खोल के रखा है क्या दुकान उसने? हाँ, फिर गए उसके बाद एक्सेल एंटरटेनमेंट है, फरहान अख्तर फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन, कबीर खान फिल्म्स, लव फिल्म्स, नडियाडवाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट, पूरी की पूरी इंडस्ट्री आ गई है. कोई ऐसा नहीं बचा जो कि इस इंडस्ट्री में नहीं आया. गाइज रेड चिलीज, शाहरुख खान मैच देखने जा रहा था, शाहरुख खान चला गया देश छोड़ के, हाँ वो ये उसने ड्रग्स लिया ये वो. मिस्टर गोस्वामी, यू हैव टू पे फॉर दिस नाउ, लिटरली बोल रहा हूँ गाइज. यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी, रॉय कपूर फिल्म, सलमान खान फिल्म. सलमान खान को तो सब पे ऐसा केस करना चाहिए, स्पेशली ये यूट्यूब गैंग जो है सलमान खान के थंबनेल लगाती है मेरा भाई, लिटरली बोल रहा हूँ. आई एम गोना प्रोवाइड ऑल एविडेंसेस, लिटरली बोल रहा हूँ. नहीं सीरियसली अब मैं बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने जो वीडियोज़ बनाए हैं सलमान खान के खिलाफ, लिटरली SKF इज गोना टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ यू. रोस्टर लोग बैठे हैं ना बड़े बड़े, तुर्रम खान मिलियन लेके, सलमान खान के केस में तुम लोगों को इंटरेस्ट है ना कि सलमान खान ने क्या किया, कितनी साल की सजा हुई, कैसा घूम रहा है.
उनके वकीलों का जवाब देना मेरा भाई। अभी तुमको, अभी तुमको ये जो आज़ादी मिली थी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तथाकथित लिबरल्स, यू डोंट नो मैन, यू गाइज आर मेस विद रॉन्ग पीपल। तुम लोग क्या लगा ये सब सुन के लेंगे? दे ऑल हैव कम अगेंस्ट यू मैन। 34 पीपल राइट एट योर फेस। वी हैव सोहेल खान प्रोडक्शन, टाइगर बेबी अपना ये उसकी है, जोया की, विधु विनोद चोपड़ा फिल्म, यश राज फिल्म, विशाल भारद्वाज, पूरा पूरा बॉलीवुड आ गया मेरा भाई। अब लड़ो, अब लड़ो। जो तुम्हारे जो बाप थे ना, ये रिपब्लिक और ये जो टाइम्स नाउ, इन पे ही केस किया है। एंड गाइस बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं। ये सूट जो फाइल किया है यहाँ पर, ये उनको इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स अगेन बॉलीवुड देने के खिलाफ ये सारी चीज़ें किए हैं। एंड द सूट आस्क्स द न्यूज़ चैनल टू अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। ये जो प्रोग्रामिंग कोड है उसको फॉलो करो, कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है आप लोग को, एंड टेक डाउन ऑल द डेफेमेट्री कंटेंट। जितना भी तुम लोगों ने इलीगल डेफेमेट्री कंटेंट पोस्ट किया है बॉलीवुड के अगेंस्ट, सबको तुम लोग डिलीट करना पड़ेगा। तुम लोग डर्ट, फिल्थ, स्कम, ड्रगी, हाँ ये सब सिचुएशंस तुम लोग ये सब यूज कर रहे हो। All the perfumes of Arabia cannot take away the stench and stink of this filth and scum of the underbelly of Bollywood. ऐसी ऐसी चीजें तुम लोगों ने बोला है, ड्रगी है, ड्रग्स तो, ए, ये सब यूज किया मेरा भाई। This is gonna get very serious. आमिर खान प्रोडक्शन, अजय देवगन, अरबाज खान, एवरी वन, सलमान खान, एवरी वन हैज कम हियर टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पिनलाइज भी किया गया है कोर्ट के द्वारा। एंड गाइस अगर तुम लोग गिल्टी फाउंड होते हो तो इसके लिए बहुत गहरी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। बॉलीवुड हिट्स बैक विद अ सूट इन द दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग टू रिस्ट्रेन रिपब्लिक एंड टाइम्स नाउ फॉर द डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स। बॉलीवुड माफिया, अबे वो इंसान है मेरा भाई, तुम लोगों ने अपनी सीखने के लिए तुम लोग एक अलग रूट पर चले गए मेरा भाई। एंड दिस वाज नेसेसरी, दिस इज़ नेसेसरी। एंड जो हुआ है गाइस बहुत अच्छा हुआ है, बॉलीवुड यूनाइट हो गया। एंड मैंने ये कितना दिन हो गया मेरे को ये बात बोल के, कितना दिन हुआ, 3 दिन मैंने उस दिन ही बोला लक्ष्मी बॉम्ब के वीडियो में, एक साथ आओ अक्षय कुमार फैन, सलमान खान, ऋतिक रोशन, देवगन, बॉलीवुड शुड यूनाइट, इनको बताने के लिए कि हम लोग नल्ले नहीं बैठे यहाँ पर। कि जब तक तुम लोग यूनाइट नहीं हो गए ये हमारी इंडस्ट्री पर अटैक करते रहेंगे। कितने यूट्यूबर, अरे रे 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 रे, रातों रात अमीर बन गए बेटा तुम लोग। ऐसी रोटी तुम लोग को हजम नहीं होने वाली, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। यू गाइस हैव डन ब्लंडर्स। एंड जो केस हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। आई थिंक इन पे सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्पेशली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड टेक यू नो सीरियसली यू नो इमीडिएट एक्शन कि क्या हुआ है ये। तो गाइस आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ओके तो ये थी अपडेट। 34 पीपल, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, एवरीबडी हैव कम अगेंस्ट दिस न्यूज चैनल्स एक्सेप्ट महानायक। महानायक कब बोलेंगे पता नहीं। ओके गाइस सो पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू कैन सी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।